चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो पाने के लिए पास में दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, मैं हूँ ओम। आज हम देख रहे हैं इस वीडियो में कैसे नए जो अपडेट आया है पबजी का, पबजी लवर्स के लिए सिर्फ आपके लिए इस वीडियो में बना रहा हूँ। इस वीडियो में जब मैंने उतरा तो पहले ही मैंने मर गया था। फिर मैंने मेरा एक दोस्त ने उसने जो नया अपडेट के साथ आया है कि आप 120 मिनट के अंदर किसी को बुला सकते हैं गेम के अंदर, तो वो कैसे बुलाते हैं मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें जो आगे देख के मैंने जैसे थंबनेल बना है कि प्लेन कैसे यूज करते हैं, इस वीडियो में हम बताएंगे। जो नए अपडेट के साथ आया है कि प्लेन उड़ने वाला है तो कैसे उड़ाते हैं, और मेरे साथ जो प्लेयर रैंडम में आए थे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें क्या करें। अब देख रहे हैं ये जो दोस्त लोग मेरे हैं और एक एनमी है उसको भी समझ में नहीं आया था। मैं तो उसके गाड़ी में ही बैठ गया था कि क्या करें क्या नहीं करें। इसके बाद वो दूसरी तरफ गया, वहाँ से गोलियाँ चल रही थी तो मेरा एक दोस्त ने नॉक हो गया, तो मैंने उसको पहले रिवाइव करने के लिए गया। रिवाइव करने के बाद मैं दिखाऊंगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे मेरे दोस्त को रिवाइव कर दिया। रिवाइव करने के बाद जब मैं यहाँ से जाता हूँ, वो एक एनमी है, वो हमारे साथ ही है मगर वो हमको नॉक नहीं किया। यहाँ पे जो टावर है, ये टावर के लिए मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी से भी होने वाला है। जो नए बिंदी आप देख रहे होगी कि जब अब मैप एन एंगल का मैप ओपन करिए उसमें बहुत सारे बिंदियाँ देख रहे होंगे, उधर ही सब टावर है जो कम्युनिकेशन टावर पबजी की तरफ से नया अपडेट आया हुआ है। अभी मेरा दोस्त लोग उस टावर के पास देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है कम्युनिकेशन टावर कैन नॉट बी यूज्ड, अभी आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा क्या नहीं मैं और एक वीडियो में बताने पड़ूंगा, और एक आपके दोस्त जो मरने के बाद उसे कैसे बुलाते हैं मैं उसके वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ से मैं कुछ मेरे पास कुछ नहीं था ना, इसलिए थोड़ा लूट लिया। इसके बाद मैं जब आगे जाता हूँ, अरे भाई ये क्या, अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये देखिए अभी जो नया अपडेट के साथ आया था कि आप हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं, तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ गया। आगे देखिए, आगे जब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। यहाँ पे मेरा दोस्त नॉक था और एक एनमी था, मेरे पास M16A4 था तो मैंने उसको नॉक किया। नॉक करने के बाद मेरे और एक एनमी आ जाता है, उसे भी मेरा दोस्त नॉक करवा देता है। अभी हम आगे चलते हैं, कुछ सामान लूट लेते हैं। यहाँ पे UMP-45 जिसमें 0.45 का बुलेट अभी लगता है, वो तो नए अपडेट के साथ चेंज हो गया। मेरा दोस्त लोग अभी हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं, मैं उनके साथ बैठ के जाने वाला हूँ, थोड़ा देखते हैं कैसा होता है हेलीकॉप्टर का नया अपडेट। अभी मैं उनके साथ बैठ गया। वो जैसे आप राइड करते हैं पबजी में अब मैं बोल रहा हूँ कि ओनली पबजी में आप जैसे राइड कर रहे हैं बाइक हो या फिर कार हो, ऐसे ही इसमें थोड़ा हाइट जाना है। हाइट जाने के बाद आपको आगे से स्प्रिंट बटन आपके जो लेफ्ट में है उसे लेना है, इधर उधर घुमा के जा सकते हैं। मेरा दोस्त को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उड़ाए उसे। अभी हम आगे जा रहे हैं सेल्टर के आसपास, अभी हम जा रहे हैं जोन के बाहर है। अभी थोड़ा इजी हो गया, अब जोन के बाहर है हेलीकॉप्टर में आ गए तो जोन के अंदर आने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत ही नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोगों को कुछ पता भी नहीं था, मैं भी अभी और मुझे ज़्यादा भी कुछ नहीं पता है, मगर जितना आ गया तो मैंने इसके लिए वीडियो बना दिया कि आपको थोड़ा हेल्पफुल बन जाए खेलने के लिए। तो देखिए नीचे फायरिंग हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, कुछ भी नहीं दिखा रहा था कि फायरिंग हो रहा है कहाँ से हो रहा है। हम थोड़ा ऊपर थे 107, तभी मैंने मेरे ऊपर भी अभी पड़ने वाला है, देखिए वो फायरिंग कर रहे थे सामने ड्रॉप था, वो मेरे ऊपर भी पड़ गया। मैंने फिर थोड़ा देख लिया, देखने के बाद मैंने फायरिंग किया होलो के साथ, तो होलो में तो ज़्यादा दिखाई नहीं था, स्कोप भी कुछ नहीं था।
हम उतर के अभी अभी देखिए, अभी मैं प्लेन उड़ाने वाला हूँ। यहाँ पे दो बटन है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग ऊपर जाने के लिए बटन है, ऊपर जाएंगे और डिसेंडिंग प्रेस करो तो नीचे आने वाला है। इसमें सीट दिया गया है, देखिए कितने सीट है, 8 सीट है। 8 लोग इसमें बैठ के जा सकते हैं। 8 किस लिए मेरे को पता नहीं, क्योंकि तो चार ही ग्रुप में 4 लोग होते हैं, मगर फिर भी इसमें 8 सीट दिया गया है। पता नहीं, बाद में अगर पता चल गया तो मैं बता दूंगा दूसरी बार। इधर 8 सीट है और स्पीड मोटर में आप आराम से प्लेन उड़ा सकते हैं। ये टावर, टावर में जो रिकल करने के लिए टावर होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा और एक वीडियो में। इस वीडियो को मैं जल्दी लाने वाला हूँ कि टावर में कैसे यूज करते हैं रिकॉल बटन। यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड एन आईडी कार्ड, ये किस लिए बोल रहा है मैं भी उसी वीडियो में आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को शेयर और लाइक बहुत सारे कीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैं वीडियो बनाता हूँ। और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़, सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक राइट में देखिए, सुपर वीपन क्रिएट हैज स्पॉन। मैप में, जब हम मैप में देखिए, मैप में टैप किए तो जो रेड कलर का जो एरिया है उधर आपको शो है कि वहाँ पर सुपर वीपन की बटन है। हम दो नंबर गए, जो उठ के आ रहे थे तो हमको वो रिकॉल करने के लिए, देखिए इधर लिखा, ऊपर लिखा है व्हेन योर आईडी कार्ड इज पिक्ड अप बाय योर टीममेट विदिन 120 सेकेंड। अभी हमारा टाइम कम हो गया है, 99.97 दिखा रहा है वो आईडी कार्ड। उसको मैंने जब बोला कि तुम जाके वो आईडी कार्ड पिकअप करो, उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करना कह क्या रहे क्या हमको नहीं। समझ में नहीं आ रहा है। और उसके बाद वो मुझे पूछ रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं उसको समझ में नहीं आ रहा है। और सब प्लेयर कहाँ रैंडम में जगह थे, उसके बाद बंद फिर जगह फायरिंग हो गया और आग लग गया उसके प्लेन में। पूरा पानी भरा है। आग ठीक लगने के उस आग लगने के बाद वो नीचे गिरने वाला है, वो भी है। ये लड़ा खत्म। मारी चल घूरे। चल अभी दिखाता मेरा मुंह में मेरा जो हमारा ऑपोनेंट है, मैं उसको दिखा रहा हूँ क्या ये यूज़ करते मारा हैं। है ना तोप, वो तोप टारगेट चलो लॉक ना होता है जिसमें तो टारगेट लग करके आपको उसमें प्लेन को डिस्ट्रॉय करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और इसके बाद मैं जो वीडियो लाने वाला हूँ वो आपको रिकॉल कैसे करते हैं उसके बारे में वीडियो लेके आने वाला हूँ। थैंक यू गाइस।